हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी नौकरी पाना तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके और बेहतरीन टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी एसएससी जीडी की नौकरी को आसानी से पा लोगे। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो गलतियाँ जो हर विद्यार्थी अपने जीवन में करता है, आपको उन गलतियों से कैसे बचना है। दोस्तों आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए मैंने एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में रख दिया गया है, जो आप चैनल पर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको हर एक कीमती वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आपको फॉर्म अच्छे से अप्लाई करना है, आपकी फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, इसलिए आपको खुद से एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड करना है। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है, पैरामीटर्स क्या क्या उसमें डिटेल में मांगे गए हैं सब कुछ देखना है। जैसा कि आपको फ़ोटो का साइज़ क्या है, उसमें उम्र सीमा क्या मांगी गई है, उसमें फ़िजिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप अपने फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करें। दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करें कि आप अपने फॉर्म को मोबाइल से ही अप्लाई कर दें, क्योंकि दोस्तों मोबाइल से आपसे कोई भी गलती हो सकती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर या लैपटॉप से अपने फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू पर। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का एक फिक्स पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, एक निर्धारित सिलेबस होता है। एसएससी ने अपने सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक सिलेबस निर्धारित किया हुआ है, तो आपको अपनी एसएससी जीडी प्रिपरेशन के लिए एक सिलेबस पता होना चाहिए, आप कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। दोस्तों सिलेबस की डिटेल में वीडियो भी मैंने आपके प्लेलिस्ट में रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपसे चार मेजर सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, पहले पे मैथ पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, और आपसे हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा। सभी सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन, यानी कि आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। इसको करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। और दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे अच्छी बात आपके पास यही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सारे एग्ज़ामों में सबसे इजी एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है। चलिए दोस्तों सिलेबस देखने के बाद अब आपको हर सब्जेक्ट की एक बेस्ट बुक होनी चाहिए आपके पास अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर किए हों। और दोस्तों अगले स्टेप में आपको कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन अच्छे से कोचिंग ले लेनी है, जिसमें सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कराए जाएंगे। दोस्तों आपको कम से कम दो बार अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगानी है। करते क्या है दोस्तों, आपका सिलेबस पूरा आपने पढ़ा नहीं है, उससे पहले ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपके नंबर कम ही आएंगे। तो आपको पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कम से कम दो बार आपका सिलेबस पूरा होने के बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम फिजिकल की। दोस्तों आपको पता है कि आपका पेपर होने के बाद आपके फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों इसी के लिए आपको स्टडी के साथ साथ ही फिजिकल की तैयारी करनी है। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको रनिंग भाग दौड़ थोड़ी थोड़ी करनी है। दोस्तों साथ के साथ जब आप रनिंग करेंगे तो दोस्तों आपका शरीर अच्छा रहेगा, पढ़ने में अच्छा मन लगेगा, इससे आपको दोनों काम आपके हो जाएंगे, फिजिकल की तैयारी भी होगी और आपके रनिंग भी अच्छे से कर लोगे, आपका फिजिकल भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये थी कुछ बातें जिनको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आपको दोस्तों कोशिश ये करनी है कि 85 प्लस ही मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क भी आपके इंक्रीज होंगे, तो दोस्तों आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपका कोशिश ये यही रहे कि 85 प्लस आपके पास मार्क होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।